हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दही के कबाब बनाना बताने जा रही हूँ। उसके लिए देखिए, मैंने सबसे पहले तो हमें ये दही लेनी है जिसको मैंने 8 घंटे तक कपड़े में लटका के रख दिया है, जिसको हम हंकर्ड बोलते हैं, वो मैंने ले लिया था। 8 घंटे मैंने इसको लटकाया, इसका सारा मॉइस्चर निकल गया है। और हमें चाहिए, ये देखिए मैंने भुना चना लिया है, उसको मिक्सी में ऐसे ये भुना चना दिया था, रोस्टेड चना, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। ये हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच। और ये कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 2 चम्मच। नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया चाहिए हमें 1 चम्मच, अदरक आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च भी स्वाद अनुसार। और ये देखिए मैंने 5 से 6 काली मिर्च ली है, और 2 छोटी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया। ये सारी चीज़ें कूट ली हैं मैंने इसमें, और 1 लौंग। ये 4 चीज़ें, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, 5-6। दालचीनी हमें लौंग के बराबर के साइज़ का 1 छोटा सा टुकड़ा लेना, ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, तो ये डाल देंगे हम इसमें। फिर हम इसमें अपना रोस्टेड चना डाल देंगे, और हम ये धनिया, ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी इसमें, और इसको मिक्स करना है। हमें इसको एक डो बनाना है मिक्स करके। अगर आपको ये थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना और डाल सकते हैं। ये देखिए, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें प्याज डाल सकते हैं, मैंने प्याज नहीं डाली है। आप चाहें तो, मैं इसमें दही का टेस्ट ही रखना चाहती हूँ। प्याज डालने से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, प्याज का ही फ्लेवर आता है, और सब्जियाँ डालने से भी उसका अपना फ्लेवर कम हो जाता है दही का, तो मैं सिर्फ दही का फ्लेवर इसमें चाहती हूँ, और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने अब नमक डाल दिया है, ये हमें डो हमारा सही डो है। तो हम इसको 2 चम्मच तेल, बस हमें इसको हमें सेलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसमें तेल की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही हेल्दी है, इसमें कोई ज़्यादा तेल नहीं पड़ता, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऐसी अनहेल्दी हो आपके लिए। आप चाहें तो इसमें पनीर भी मिला सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो चलिए, अब हम पहले तवा चढ़ाते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, मैं आपको कबाब बनाना दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले हाथ में हम हल्का सा ये कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। कॉर्नफ्लोर हमें इसमें डालना नहीं था, कॉर्नफ्लोर हमें हाथों पे लगाने के लिए था, और हमें हल्के हाथों से इसके गोले बनाने, बहुत दबा के नहीं। तो ये ऐसे किया, हाथ में थोड़ा सा और लगाया कॉर्नफ्लोर को, ये देखिए। और हमें कबाब का शेप देना है, टिक्की का शेप नहीं देना, कबाब का शेप देना है। हमें दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, और साइडों से हमें राउंड कर लेना है। आप इसमें चाहें तो स्टफिंग भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट की स्टफिंग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हमें करके और रखते जाना है। जिस साइज़ का भी आपको चाहिए आप उस साइज़ का बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से हैंडल हो रहा है। बहुत डेलिकेट होते हैं ये, थोड़ा सा हमें इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन आप करेंगे तो आपको आ जाएगा बनाने से। अब देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से करना है, और इसमें दोनों साइड की तरफ थोड़ा सा ये लगा के कॉर्नफ्लोर और प्लेट में रख देना है। ऐसे हमें सारे बना लेने हैं, फिर हमें इनको सेकना है। ये देखिए, हमें ऐसे साइडों से चिपटा बिल्कुल नहीं करना है, टिक्की का शेप देना है, सॉरी कबाब का शेप देना है, टिक्की नहीं, टिक्की की तरह चिपटा नहीं करना है हमें। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, मुंह में घुल जाते हैं, और बनाने में भी आसान होते हैं, और ज़्यादा इसके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, दही को आप थोड़ा सा पहले ही, आप अगर सुबह बनाना है तो आप रात में उसको लटका के रख दीजिए, पूरी रात लटका दीजिए, या 5-6 घंटे अगर आपके पास टाइम हो तो उसको लटका के ज़रूर रखिए, अच्छे से उसका मॉइस्चर पूरी तरह निकल जाना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये सारे कबाब बन के तैयार हो गए। ये लास्ट में आपको बना के दिखाती हूँ। अब हम इनको सेकने की तैयारी करते हैं। आप इसको हरी चटनी सॉस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। साइड से हमें इसको अच्छे से शेप देना है। तो ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिए। अब मैं आपको सेकना बताती हूँ। फ्रेंड ये देखिए मैंने तवा रख दिया है और इसमें हम 2 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। 2 चम्मच से भी कम तेल लगेगा, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं लगना है। और तवा गर्म हो गया है। अब हम इस पर केयरफुली इसको सारी टिक्कियों को रखते हैं। ये देखिए हम सारी अपने कबाब ऐसे रखते जाएंगे। अगर आपको ये हैंडल करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना का पाउडर बढ़ा सकते हैं और जो है आप ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपका अगर दही अच्छे से हंग नहीं हुआ है, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा है उसमें, तो आप ये कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी हैंडल करने में। तो ये देखिए हम सारे कबाब ऐसे ही अरेंज कर लेंगे और इनको अच्छे से हमें सेकना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें बहुत इसको केयरफुली हैंडल करना है। पहले एक तरफ नीचे से अच्छे से ब्राउन हो जाए, कबाब का कलर ले ले, फिर हम इसको बहुत धीरे से आराम से पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड एक तरफ से हमारा हो गया। अब हम इसको बहुत धीरे से आराम से उठाएंगे और पलटेंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और हमें एक साइड अच्छे से ब्राउन होने के बाद ही पलटना है, नहीं ये टूट भी सकता है। ये देखिए बहुत आराम से पलटना है इसे, हमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है। आप इसको जब बना के प्लेट में रखें तो अच्छे से इस पर कॉर्नफ्लोर से कोट कर दें, नहीं तो ये प्लेट में चिपक जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं डायरेक्ट बना के और तवे पे आप रखते जाएं, नॉनस्टिक तवे पे डायरेक्ट बना बना के नॉनस्टिक तवे पे सेकने के लिए डाल दें, तो इससे आपका प्लेट में चिपके रहें और ऐसे हिलाते रहें। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। और हमें गैस बहुत तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से सेकना है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है कबाब का और कितने आसानी से बन गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कबाब दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से ब्राउन हो गए, जैसे कबाब का कलर चाहिए वो हो गया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इनकी प्लेटिंग भी कर दी है। मैंने सॉस के साथ सर्व किया है और आप चाहें तो इसे हरी चटनी या फिर जो है चिली सॉस किसी के साथ भी, मियोनी के साथ आप कुछ भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं, कोई भी चटनी बना के। ये देखिए कितने अच्छे हमारे कबाब तैयार हुए हैं। ये देखिए अब अच्छे से पकने के बाद इसे हैंडल करने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। और आपको इसको बनाते समय हैंडल करने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा सा इसमें ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, रोस्टेड चना अगर अच्छे से डाल देंगे तो ये हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी और आप दही को अच्छे से हंग करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी ट्राई करिए, अगर पसंद आई है तो शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।